Hello everyone, today we are going to start with our fifth poem, First Day at School, written by Roger McGow. In this poem, the poet tells us about how a child thinks or feels when he first goes to school in his life. Uh, the poet tells us that how a children uh, behaves in a school for the first time.

वो वेट करता है कि कब बेल बजेगी तो उसको कहां जाना है स्कूल के लिए जाना है अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है वाई दर सो बिग अदर चिल्ड्रन तो वही बच्चा समझ, सोच का है जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो वही बच्चा समझ का है कि मीन्स वही उसको ही लगता है कि वो बहुत दूर है उसका स्कूल जो है उसके घर से बहुत दूर है और वहां पे जो बाकी के बच्चे हैं वो बहुत बड़े हैं सो नॉइजी सो मच एट होम दे मस्ट हैव बीन बॉर्न इन यूनिफॉर्म सो नोइी मीन्स वो बहुत शोर भी करते हैं और उस बच्चे को ऐसा लगता है कि वो जो बाकी के बच्चे हैं वो सबके सब यूनिफॉर्म सब में ही पैदा हुए हैं मीन्स वो इसी तरह से पैदा हुए हैं यूनिफॉर्म में ही लिव्ड ऑल देयर लाइव इन प्ले ग्राउंड और वो पूरी अपनी जिंदगी प्ले ग्राउंड में ही बिताते हैं स्पेंड द इयर्स इन वेंटिंग गेम्स दैट डोंट लेट मी इन और उन्होंने बहुत साल बिताए हुए हैं यही गेम्स खेलने में और यही गेम्स इन्वेंट करने में लेकिन वो मुझे अपने साथ नहीं खेलना खेलने देते मीन्स उन्होंने ऐसे ऐसे गेम्स बनाई हैं जिनमें वो मुझे अपना भागीदार नहीं बनाते मीन्स वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते मुझे उस बच्चे को गेम्स दैट आर रफ गेट्स फेलो यू अप मीन्स वो गेम्स जो रफ भी हैं मीन्स थोड़ी डिफिकल्ट भी हैं लेकिन वही खेलते खेलते हम बड़े भी हुए हैं and the railings, all around the railings. Railings means uh, जो ग्रिल्स लगाई होती हैं, मीन्स हमारे स्कूल के कॉरिडोर्स में ग्रिल लगी होती है जिस तरह से वैसे ही वो बोलता है कि अब जब बच्चों की बात हो गई उसकी फिर उसका ध्यान चला गया स्कूल में जो रेलिंग्स लगी होती है मीन्स जो ग्रिल्स लगी होती हैं, वो उसकी तरफ चला गया और वो चाइल्ड बोलता है कि सब जगह रेलिंग ही रेलिंग है आते टू कीप ओवर बॉल्स एंड मॉन्स्टर्स मीन्स वो रेलिंग्स किस लिए लगाई गई है कि वॉल्स मीन्स भेड़िए वगैरह या मॉन्स्टर्स वगैरह उन सबको दूर रखने के लिए है थिंग्स दैट कैरी ऑफ एंड ईट चिल्ड्रन मीन्स ऐसी चीजें जो बच्चों को उठाके ले जाए या बच्चों को खाएं मॉन्स्टर्स हो गए मीन्स I mean, so उस तरह से उनके लिए लगाई गई है कि वो यहां पर ना आ सके थिंग्स यू डोंट टेक स्वीट फ्रॉग यहां ऐसी चीजों के लिए जिनसे हम स्वीट्स मीन्स मीठी कोई भी टॉफीज वगैरह कैंडीज ना ले सकते हैं उनसे छीन नहीं सकते पर हैप्स दे आर टू स्टॉप अस गेटिंग आउट लेकिन ये सब ऐसा नहीं है ये सब चीजें किस लिए लगाई हैं कि हम बच्चे स्कूल से बाहर ना चले जाए रनिंग अवे फ्रॉम द लेसन और लेसन से मीन्स जो हमारा पाठ है हमारी शिक्षा है हम उससे दूर ना चले जाए वट डज द लेसन लुक लाइक अब उसका ध्यान चले जाता है उस बच्चे का ध्यान चले जाता है पहले उसका गया था कि जो बच्चे खेल रहे हैं बाकी बाकी उसके क्लासमेट्स जो भी हैं वो सबके सब, सब इतने बड़े बड़े हैं उसी स्कूल में पैदा हुए हैं वो उसी यूनिफॉर्म में पैदा हुए हैं जब उन बच्चों से ध्यान हटा फिर उसका ध्यान चला गया जो स्कूल में रेलिंग लगी हुई है जो ग्रिल्स लगी हुई है अब ध्यान उन, उस बच्चे का उस उसपे चला गया जब उनसे ध्यान हटा तो अब ध्यान किस पे चला गया लेसन पे मीन्स पाठ पे अब वो सोच है कि वो किस तरह से दिखते हैं लेसन जो है वो किस तरह से दिखाई देते हैं साउंड स्मॉल एंड स्लिमी मीन्स स्लिमी मीन्स एक तरह का जिसको मिट्टी वगैरह लगी हो मडी मीन्स वो लेसन जो है वो छोटे हैं और उनको ऐसे मडी टाइप है मीन्स उनको मिट्टी लगी हुई है दे कीप देम इन क्लासरूम्स और वो उनको किस में रखते हैं क्लासरूम्स में रखते हैं वो कौन मीन्स जो टीचर्स हैं या स्टाफ मेंबर जो भी है स्कूल का जो भी स्टाफ है वो उन सबको कहां रखता है क्लासरूम्स में रखता है होल रूम्स मेड आउट ऑफ क्लास इमेजिन और वो ऐसा सोचता है कि पूरा का पूरा जो क्लासरूम है वो किससे बना हुआ है ग्लास से मीन्स कांच से बना हुआ है आई विश आई कुड रिमेंबर माई नेम और वो ऐसा चाइल्ड ऐसा सोचता है कि आई uh, विश कि मैं अपना नाम जो है याद रख सकूं। ममी सेट इट वुड कम इन यूजल लाइक वैलीज वैलीज क्या होती हैं? एक लॉन्ग रबर बूट्स मीन्स एक लॉन्ग uh, बूट्स uh, होते हैं रबर के शूज मीन्स उसकी मदर जो जो बच्चा है उसकी मदर वो बोलता है कि मेरी मम्मा बोला करती थी ऐसा मेरी मम्मी ऐसा बोला करती थी कि जो आपका नाम है वो आपकी लाइफ टाइम के लिए बहुत बार कहीं भी यूज हो सकता है जैसे कि तुम्हारे वो रबर के शूज यूज होते हैं रबर बूट्स जिस तरह से यूज होते हैं उस तरह से अगर तुम्हें अपना नाम भी आग रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं यूज होगा वेन देअर आर वेन देयर इज पडल्स पडल्स मीन्स जैसे बारिश के बाद खड्डे बन जाते हैं और खड्डों में पानी भर जाता है तो उस तरह के जब वो पडल्स बन जाते हैं तो उस टाइम पे वो वैलीज काम में आती है वो रबर बूट्स काम में आते हैं ताकि हमारे पैर गंदे ना हो येलो वैलीज आई विश शी हियर और येलो वैलीज भी काम में आती हैं और वो बच्चा ऐसा सोचता है कि वो विश करता है कि शी वॉज हियर शी कौन उसकी मदर उसकी माँ भी यहां हो यहां होती आई थिंक माई मदर इज स्वीन ऑन समवेयर और मैं ऐसा और वो बच्चा ऐसा सोचता है कि उसकी मदर ने उसका नाम कहीं पे लिखा हुआ है मीन्स कहीं पे स्टिच uh, किया हुआ है टीचर विल रीड इट फॉर मी और वो टीचर जब कभी भी वो नाम देखेगी कि जहां पे मेरी uh, मम्मी ने वो उस चीज को सिला हुआ होगा तो वो वहां से मेरा नाम रीड करेगी टीचर द वन हु मेक्स टी उसके बाद उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि टीचर कौन होता है और वो टीचर को कौन समझता है कि जो टी बनाता है मीन्स चाय बनाता है इस पोयम में पोइट ने क्या बताया हुआ है कि एक बच्चा छोटा सा जब उसका फर्स्ट डे स्कूल में होता है तो उसके माइंड में किस किस तरह के थॉट्स आते हैं मीन्स वो क्या चीज सोचता है अपने टीचर्स के बारे में अपने कलीग्स के बारे में अपने स्कूल के बारे में वो किस तरह से उसकी मेंटेलिटी होती है वो चीज बताई हुई है